मान्य सभापति महोदय श्री वसंत कुमार पंडा मान्य सभापति महोदय यस मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक व्यवसायिक गांव है नगर है केसिंगा जहां का रेलवे स्टेशन अंग्रेज जमानों का है 57 नेशनल हाईवे बरगढ़ से बोरीगुमा उधर उसी रास्ते से निकलता है और घंटा घंटा ये लेबल क्रॉसिंग बंद रहता है रेलवे का आवागमन के कारण ट्रेन का आवागमन कारण मालवाही जहाज का आवागमन के कारण वहां पर एक आरओबी का मंजूर हुआ था टेंडर भी हुआ था लेकिन किसी कारणवश वो टेंडर कैंसिल हो गया इसलिए मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज सिट डाउन द सीट्स प्लीज कंटिन्यू मैं इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि वहां एक अंडरपास बना करके लोगों को आवागमन करने के लिए सुविधा प्राप्त दिया जाए कारण ये है कि आंध्रा और छत्तीसगढ़ का उड़ीसा से उसी रास्ते में विशेष गाड़ियों का आना जाना रहता है और उसी रास्ते से बुरला जाना पड़ता है उसी रास्ते से अनेक जिला हेडक्वार्टर जाना पड़ता है भुवनेश्वर राजधानी ओडिशा का जाना पड़ता है और एक उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा रेलवे मिनिस्टर को कि हमारे इस्पात एक्सप्रेस कलकत्ता से टिटलागढ़ तक आती है शाम को पहुंचती है और वहां से मात्र 13 किलोमीटर केसिंगा टाउन है और रात को टिटलागढ़ में रुक जाती है उसको केसिंगा तक एक्सटेंशन किया जाए उसके साथ साथ दुर्गपुरी एक्सप्रेस पूरी दुर्ग एक्सप्रेस जो टिटलागढ़ में ये आधा घंटा 45 मिनट तक खड़े होती है उसको भी केसिंगा तक अगर एक्सटेंशन किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे लोकसभा क्षेत्र के कालाहंडी के लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को थैंक यू